नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मासाब आइए सर। जी जो बच्चे सिर्फ छीन कर खाना खाते थे वो आज मिलजुल कर बांट के खाना खा रहे हैं। जहाँ सिर्फ गाली गलौज सुनाई पड़ता था वहाँ गीत संगीत बह रहा है। वहाँ कई मास्टर जी, आपने इन बच्चों का भूत और भविष्य दोनों सुधार दिया। बैठिए। असली शिक्षा वही है जो समाज को सुरक्षा और खुशहाली दे सके। हर शिक्षित बच्चा मतलब एक अपराधी कम। आज आपका आखिरी दिन है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने जो काम किया वो सराहनीय है। मेरी बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप यहाँ से चुपचाप बिना बताए चले जाएं, क्योंकि इन बच्चों को अगर पता चल गया तो ये आपको जाने नहीं देंगे। वैसे आपकी अगली पोस्टिंग है कहाँ? तुमको भगवान भी नहीं सुधार सकते, चलो अंदर। हाँ कहाँ पर है? बढ़िया, नजर रखो। जी मासाब। अरे मैडम कुछ पढ़ाइए उढ़ाइए तो। अरे मैडम कुछ तो पढ़ाइए। अरे बच्चों को काका गागा पढ़ाइए। चलो चलो चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कहाँ से कबूतर? बच्चे कहाँ हैं? मतलब बच्चे कहाँ हैं? जो है यहीं हैं। अरे भाई ये क्या है? मासाब मासाब साहब आ गए। अरे आ गए। अरे मैडम पढ़ाइए पढ़ाइए जल्दी जल्दी। अरे जल्दी 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 सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ चल चल। नमस्ते सर। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? जी इधर है। आइए आइए सर आइए सर आइए सर। चलो अंदर। अरे यार आइए सर। कोई बस्ता नहीं लाया। इधर कौन सी क्लास है? ये पांचवी क्लास है। अच्छा आइंस्टीन के बारे में तुम सब लोग तो जानते ही हो। एक बार आइंस्टीन अपने घर में बैठा सोच रहा था। नमस्ते। क्या पढ़ा रहे हैं सर? बच्चों को आइंस्टीन के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा आइंस्टीन के बारे में, दो मिनट बाहर चलिए जरा देखें क्या पढ़ाया आपने। सर आइए। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जब्बर। क्या? जब्बर। गब्बर? गब्बर नहीं नाम, जब्बर नाम है। गब्बर कह कह के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? रामलाल। रामलाल? अरे मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछ रहा, देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? रामलाल। तुम्हें कक्षा पांच में किसने पहुँचाया? अभी मैं नाम कटवाता हूँ तुम्हारा। कैसे काटेंगे? मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो भैंस चला रहा था। वो मास्टर ने कहा कि 10 रुपया दूंगा, चलो स्कूल। बताओ तुम दोगे या मास्टर देगा? ये क्या तमाशा बना रखे हैं? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं। अभी मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ, अभी। हाँ तो कर दीजिए सस्पेंड। हम कौन से यहाँ असली मास्टर हैं? असली मास्टर हमारे पड़ोसी हैं जो ठेकेदारी कराते हैं। उसने कहा कोई साहब आए तो झेल लेना, हम झेल रहे हैं आपको। फर्जी बच्चे, फर्जी अध्यापक, चलिए बाहर। इस बात पे मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूँ। सर असली हेडमास्टर तो मैं हूँ नहीं, असली हेडमास्टर मेरे बड़े भैया हैं, वो खेतों में बुआई कराने गए हैं। उन्होंने कहा था कि कोई अधिकारी आएंगे तो उनका सम्मान कर दीजिएगा। लीजिए सर।
रिश्वत दे रहे हो? आज बच गए। मेरे मामा जी अगर शादी में न गए होते और उनकी जगह मैं ना आया होता तो आज सबकी नौकरी गई थी। चलो ऐश करो। हमको तो हो गया है तुमसे प्यार सजनी, बोलो तो जी लें, बोलो तो मर जाए। हाय सोनम गुप्ता बेवफा है, जानते हो बच्चों कौन है ये? नहीं पता, हम बताते हैं। असली शिक्षा तो यही है, जो दिल तोड़ देती है उसे सोनम गुप्ता कहते हैं। वाह 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 क्या बात है। सुनिए, प्राइमरी पाठशाला किधर है? अरे ये भी तो हमारी एक पाठशाला है, दो बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड है और उसके ऊपर हमारे दिल की बात है। जी मैं प्राइमरी पाठशाला पूछ रहा हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा प्राइमरी पाठशाला, अब सीधे हैं, सीधे निकल जाइए, उसके बाद राइट लीजिए, उसके बाद लेफ्ट लीजिए, उसके बाद फिर उल्टे हाथ पे और फिर सीधे हाथ पे। और हाँ अगर शॉर्टकट निकलना है तो बीच में से खेत में से खटखट खटखट चले जाइए। जी का रे एडमिशन लेना है का? एमएम लेके एडमिशन कंपटीशन देता है। मजाक मत करो बाबूजी, हमारे अध्यापक लग रहे हैं, नंबर काट देंगे। अगले गली से भाई मुड़ जाइयो, भाई से भाई मुड़ जाइयो। सुनिए यहाँ की प्राइमरी पाठशाला किधर है? दिखा नहीं कहाँ जा रहा है। अरे ओ चाची मौसी, चाची मौसी, अरे कहाँ भागे जा रही हो? शौचालय कहाँ फोटो खींचने के लिए बनवाए हैं? अरे मुझे ये तो बताते जाइए यहाँ की प्राइमरी पाठशाला किधर है। उन्हीं से पूछो ना जो हगना मुतना बंद की। चाची मौसी कहाँ भागे जा रही हो? छोड़ेंगे नहीं, रुकिए इनको बताते हैं। समझियो कहाँ भागे जा रही हो? हाँ बैल के पहले ही रहना तुम सब। सुनिए सुनो ना सुधार सकते, मुझे प्राइमरी पाठशाला जाना है। क्या प्राइमरी पाठशाला है? प्राइमरी पाठशाला। अरे तू चिल्ला कह रहे हो, ये ट्रैक्टर को शहर वाले टैक्सी समझ लियो का? बताओ का काम है? हम यहाँ के नए अध्यापक हैं। अरे मां साहब जी, अरे तो पहले क्यों नहीं बताए? आइए हम आपको छोड़ देते हैं, आइए बैठिए। तो आप नए मास्टर जी हैं? जी। हेडमास्टर जी बता रहे थे पढ़ाई लिखाई का यहाँ बिल्कुल माहौल नहीं है, तो किसी तरह हमने शहर जाके अपनी एजुकेशन पूरी की है। हम एमए पास हैं, स्कूल की हालत तो और भी खस्ता है। अच्छा। कोई बच्चे वहाँ जाते नहीं है, मास्टर जी कोई पढ़ाते नहीं है। जी। मिड डे मील में तो सबका कमीशन जुड़ा हुआ है और आधे से ज्यादा टीचर है वो नकली है। अच्छा। और क्या से एक है। अच्छा आशा है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, करेंगे कि नहीं? जी कोशिश करेंगे। ये लीजिए मासा, आ गया आपका स्कूल। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाइएगा मासा, हमको कहीं जाना है नहीं तो हम भी आते। जी नमस्ते। चलिए पीछे ले लीजिए। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहब का रूम किधर है? चोर निकल के भागा। चल एक बार और खेलते। नहीं अब नहीं खेलना है। मासा फिर पाया। अरे अरे भागते कहाँ हो? अरे अरे रुको रुको। अरे जी आप? जी मैं आशीष कुमार, यहाँ का नया अध्यापक हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, आइए 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 बैठिए मासा जी। मुझे पता चला था कि नए अध्यापक की नियुक्ति हुई है, वैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर? जी। लीजिए
एंट्री कर दीजिए आज की तारीख के साथ। अच्छा एक बात बताइए जी, आप ही पढ़ाएंगे या आपकी जगह दूसरा कोई? मतलब कहा मां साहब, इतना भोले भी मत बनिए, अब साथ रहना है, काम करना है तो सब बातें खुल के होनी चाहिए। जी अध्यापक हम हैं तो हम ही पढ़ाएंगे सर। ठीक है ठीक है, हमको कहां परहेज है, आइए हम आपको स्कूल दिखाते हैं और दूसरे शिक्षकों से मिलवाते हैं, आइए। देखिए मां साहब, यहाँ के बच्चे थोड़ा शरारती हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहिएगा जी। चल हट, आइए। ये कच्चा एक है और वो दो है। अरे मां साहब, मां साहब। हां मां साहब। अरे बाहर आइए जरा। आया मां साहब। आए। कैंडी क्रश का नया रिकॉर्ड बना कि नहीं? बन रहा मां साहब, 237 पहुंचे हैं। अच्छा इनसे मिली, ये हमारे नए मां साहब। क्या नाम बताया था आपने? जी आशीष कुमार। कुमार? अरे मां साहब पूरा नाम बताइए प्रॉपर सरनेम के साथ। अरे छोड़िए मां साहब, इन दग्यानोसी चीजों में क्या रखा है? नहीं सर जी, मेरा पूरा नाम आशीष कुमार ही है, मैं दलित वर्ग से हूं, आईएएस की नौकरी छोड़कर शिक्षक बना हूं, शिक्षा देना ही मेरा धर्म व्यवसाय और उद्देश्य है। अरे भाई क्यों नहीं क्यों नहीं, आप जैसे ही आदर्शवादियों की तो जरूरत है आजकल। बिल्कुल मां साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम आपको आपकी कक्षा दिखाते हैं जी। अच्छा मां साहब मिलते हैं जी। बिल्कुल आइए छोड़े। ये गांव का स्कूल है मां साहब, यहाँ बच्चे बहुत कम आते हैं, आप भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, आइए आइए मां साहब। ये है आपकी कक्षा, बच्चों उठो उठो, देखो कौन आया है, ये है तुम्हारे नए मां साहब, नमस्ते करो। नमस्ते, नमस्ते। मिड डे मील का घंटा है, सब भाग गए, आइए हम लोग भी चलते हैं। अरे मां साहब ये गांव के बच्चे हैं, ये यहाँ पढ़ने कम खाने ज्यादा आते हैं। इसीलिए हमारा रजिस्टर फुल और बच्चे हाफ। बुधिया जी रोटी लेके आ जी। मां साहब आइए मां साहब, ये है अवधेश कुमार जी, कहने को तो अध्यापक है पर इनका मन पाठशाला में कम और पाकशाला में ज्यादा है। क्या मां साहब, आप भी। और हमारे मिड डे मील की व्यवस्था भी यही देखते हैं। और ये है बुधिया, इस स्कूल का चपरासी जी। नमस्ते। व्यवस्था मतलब? अरे मां साहब धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अरे मां साहब सलाद लीजिए। वाह खाना तो बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद मां साहब। सुनिए जी, ये मां साहब को टीचरों का खाना है, बच्चों का खाना आप खा भी नहीं पाएंगे। मतलब? और तो बुधिया, मतलब प्रिंसिपल विदाउट एनी प्रिंसिपल। वाह अचार तो लाजवाब है भाई। वाह। अरे बुधिया चावल लाओ ना जी। अरे किसको ढूंढ रहे हैं मां साहब? इस स्कूल में खाना खाने के बाद यहाँ कोई नजर नहीं आएगा मां साहब, और इनके घर वालों को भी कोई चिंता नहीं है, क्यों? ठीक है सर चलते हैं, कल मिलेंगे। मां साहब कल रविवार है, परसों मिलेंगे। अरे हाँ कल तो छुट्टी है। सर आपसे एक विनती है। हाँ कहिए। क्या आप मेरे लिए कल कक्षा खुलवा सकते हैं? क्यों भाई? वो आप परसों देख लीजिएगा प्लीज सर। ठीक है, बुधिया यही स्कूल के पास रहता है, उसको कह देते हैं जी। थैंक यू सर। माशा माशा, आपको सच में लग रहा है आईएएस की नौकरी छोड़कर ये मास्टरी कर रहा है? अरे मां साहब सनकियों की कमी नहीं है देश में।